everyone, welcome in my YouTube channel. Today we are going to discuss in matrix subtopic Sylvester theorem. So let's begin Sylvester theorem with the definition. So statement of it is, if A is a square matrix, square matrix आपको मालूम है जिसमें number of rows and number of columns equal रहते हैं. अगर A square matrix है order n का, मतलब n row n column है. And having eigen values lambda 1 to lambda n, A square matrix है और उसकी corresponding जो eigen values है वो all discrete eigen values समझ लीजिए n order का है तो उसके n eigen values है. Then P of A को किस तरह से बताया जा सकता है, P of A is equal to C naught I plus C1A plus C2A square plus C3A square K, where C naught, C1 up to CN are constant and I unit matrix होते हैं. तो इस तरह से पी ऑफ ए को किस तरह से आप बता सकते हैं, पी ऑफ ए इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n, आई इज इक्वल सॉरी 1 टू n पी ऑफ लैम्डा आर इनटू जेड ऑफ लैम्डा आर. पी ऑफ ए में पॉलीनोमियल, जैसे एफ एक्स पॉलीनोमियल होता है वैसे पी ऑफ ए को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं पी ऑफ लैम्डा आर इनटू जेड ऑफ लैम्डा आर, जहां पर आर वेरी करेगा 1 टू n, ठीक है. और जहां पर जेड ऑफ लैम्डा आर फाइंड आउट करेंगे यूजिंग फॉर्मूला ए डी जे स्टैंड फॉर एडजॉइंट ऑफ लैम्डा आई माइनस ए अपॉन पाई डैश ऑफ लैम्डा. जेड लैम्डा आर को हम लोग बोलते हैं सिल्वेस्टर कोएफिशिएंट एंड पाई ऑफ लैम्डा बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलीनोमियल. एंड पाई ऑफ लैम्डा हमें पता होगा, लेकिन पाई ऑफ लैम्डा पता नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टली मैं बता दूँ पाई लैम्डा के लिए हम लोग यूज करेंगे जब आइगन वैल्यू का हमने फॉर्मूला यूज किया था लैम्डा स्क्वायर माइनस एस स्मॉल लैम्डा प्लस मॉड ए. ये तो कैरेक्टर से इक्वल टू जीरो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, लेकिन हमने उसका इक्वल टू जीरो हटा दिया है तो पाई ऑफ लैम्डा का निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा. हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे वर्किंग रूल में इसके नेक्स्ट स्टेप में. तो स्टूडेंट्स बस याद रखने वाली चीज़ यही है कि आपको ये चीज़ याद रखनी है बहुत अच्छे से. सिलवेस्टर थ्योरम पी ऑफ ए इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन पी ऑफ लैम्डा आर इनटू जेड ऑफ लैम्डा आर एंड जेड लैम्डा आर इज एडजॉइंट ऑफ लैम्डा आई माइनस ए अपॉन पाई डैश ऑफ लैम्डा. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. डेफिनेशन के बाद हम लोग देख लेते हैं कि सिलवेस्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाता है. सो द वर्किंग रूल इज point number 1, write mod of lambda I minus A and find adjoint of lambda I minus A matrix. ये पहला point है. दूसरा point, to find the eigen values, use lambda square as one lambda plus mod equal to 0. ये हमने केले हैमिल्टन थ्योरम में भी यूज किया, डिपेंड करेगा a अगर 2 by 2 का है तो ये यूज करना है, 3 by 3 का तो हमें पता है lambda cube minus s1 lambda square plus s2 lambda minus mod a is equal to 0 यूज करेंगे. तीसरा काम है राइट पाई ऑफ लैम्डा एंड फाइंड पाई डैश ऑफ लैम्डा. पाई लैम्डा मतलब कैरेक्टर इक्वेशन है, तो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा सर. पॉइंट नंबर 4, राइट पी ऑफ ए एंड फाइंड पी ऑफ लैम्डा 1 एंड करेस्पोंडिंग पी ऑफ लैम्डा 2. यूज जेड ऑफ लैम्डा आर एडजॉइंट ऑफ लैम्डा आई माइनस ए ऑन पाई डैश ऑफ लैम्डा टू फाइंड जेड लैम्डा 1 एंड जेड लैम्डा 2. Last point, apply Sylvester theorem, ST stands for the Sylvester theorem, to get the answer of find and through that question. यहाँ बहुत ही clear students मैंने last में बताया हुआ है कि Sylvester theorem में दो type के problem रहेंगे आपके पास. एक तो रहेगा find the value of and दूसरा रहेगा prove that. दो type के question है. तो हम Sylvester theorem दोनों के लिए apply करेंगे, find करने के लिए और prove that वाला question है तो prove that के लिए. So this is the working rule, you have to remember very carefully. इसके बाद हम लोग देखेंगे इस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स किस तरह से सिलवेस्टर थ्योरम से बहुत ही इजीली प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं. तो देखते हैं सिलवेस्टर थ्योरम पे प्रॉब्लम. यूजिंग सिलवेस्टर थ्योरम, एस टी स्टैंड फॉर सिलवेस्टर थ्योरम, तो जहाँ एस टी आएगा वहाँ पर वर्ड है सिलवेस्टर थ्योरम. प्रूव दैट ई एस टू ए इज इक्वल टू ई एस टू एक्स कॉस एच एक्स साइन एच एक्स साइन एच एक्स कॉस एच एक्स फॉर मैट्रिक्स इज इक्वल टू एक्स 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 एंड एक्स. तो ये है फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम, प्रूव दैट प्रॉब्लम इन सिलवेस्टर थ्योरम. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसको प्रूव करने के लिए, ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है उसको लिख लेते हैं. ए इज इक्वल टू दिया है एक्स 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 एंड
इसके बाद अकॉर्डिंग टू स्टेट वर्किंग रूल मैंने बताया था, इसका लैम्डा आई माइनस ए वो आधा हम निकालेंगे, लैम्डा आई माइनस ए माइनस, ये बहुत इजी है, ए मैट्रिक्स से इजीली आ जाएगा। सिंपल क्या करना है, लैम्डा आई माइनस ए, ए से निकल जाएगा, फिर डायगोनल एलिमेंट है इनके पहले लैम्डा माइनस लगा दिए, हर कॉलम में ऐसे ही करना है, डायगोनल के पहले लगाना है लैम्डा माइनस, ये जो नॉन डायगोनल उसका साइन चेंज कर दो, चेंजिंग द साइन ऑफ नॉन डायगोनल एंड अप्लाई जस्ट लैम्डा माइनस इन फ्रंट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। इसके बाद इसका एडजॉइंट निकाल लीजिए, ए डी जे ऑफ लैम्डा आई माइनस ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट हम लोगों को क्या करना है स्टूडेंट, लैम्डा आई माइनस ए का एडजॉइंट निकालने के लिए इनको आपस में इंटरचेंज कर लो, तभी तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सिमिलर हैं, और इनके जो नॉन डायगोनल है इनके साइन चेंज कर दो, मतलब माइनस यहाँ डालना माइनस यहाँ, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा ऑलरेडी प्लस। सो इस तरह से हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ लैम्डा आई माइनस ए मैट्रिक्स, कि लैम्डा माइनस एक्स, लैम्डा माइनस एक्स, एक्स एक्स एंड एक्स, रिमेंबर दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक। अब हम लोग क्या करेंगे, आइगन वैल्यू निकालेंगे ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स आपका 2x2 का मैट्रिक्स है, सो आइगन वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा स्क्वायर माइनस एस में लैम्डा प्लस मॉड इज इक्वल टू जीरो, ऐसे में सम ऑफ डायगोनल डोमेन ए का बहुत इजीली निकल जाता है, इसका निकालना है, सो लैम्डा स्क्वायर एस वन सम ऑफ डायगोनल एक्स प्लस एक्स, ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स इंटू लैम्डा प्लस डोमेन ए इसका एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये आएगा टू एक्स लैम्डा ये जो है जीरो इज इक्वल टू जीरो, सो लैम्डा स्क्वायर माइनस टू एक्स लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से इजीली हम लोग लैम्डा कॉमन ले सकते हैं, बचेगा लैम्डा माइनस टू एक्स, इसका मीनिंग मतलब लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, लैम्डा माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो, तो लैम्डा की वैल्यू भी जीरो एंड टू एक्स, सो कंसिडर करेंगे लैम्डा वन इज इक्वल टू जीरो, लैम्डा टू इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स, वेट कंसिडर, ठीक है। तो आइए पहले उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट पॉइंट है कि फाई ऑफ लैम्डा निकालना, ठीक है, तो फाई ऑफ लैम्डा क्या होता है, एक्चुअली ये जो पार्ट है आपका दिस इज कॉल्ड फाई ऑफ लैम्डा, ये एक्चुअली है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ये भी आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही है, बस इतना पार्ट कंसिडर करोगे तो आपके पास आ जाएगा फाई ऑफ लैम्डा, इस पार्ट में लिख रहे थे फाई ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस टू टाइम्स एक्स लैम्डा, ये फाई ऑफ लैम्डा हो गया, फाई ऑफ लैम्डा से हमें निकालना है फाई डैश, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा, मतलब हमको क्या करना है, डी डी लैम्डा लेना दोनों साइड पर, डी बाय डी लैम्डा फाई लैम्डा इज इक्वल टू डी बाई डी लैम्डा लैम्डा स्क्वायर टू एक्स लैम्डा, ये हो गया फाई डैश लैम्डा टू लैम्डा माइनस टू एक्स, ये हो गया आपका फाई डैश ऑफ लैम्डा, ठीक है। अब आपको कंसीडर करना है पी ऑफ ए, तो आप लेंगे प्लेट पी ऑफ ए इज इक्वल टू, ये पी ऑफ ए क्या कंसीडर करेंगे, जो आपको प्रूफ करना था लेफ्ट पार्ट, अब प्रूफ क्या करना था, ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स कॉस ऑफ एक्स साइन एच एक्स कॉस ऑफ एक्स, तो ये लेफ्ट पार्ट है आपका, आपको जो प्रूफ दैट आएगा क्वेश्चन उसमें जो लेफ्ट पार्ट है वो हमेशा पी ऑफ ए भी जाएगा, तो ये हो गया ई एस फॉर ए लेफ्ट पार्ट, ठीक है। अब ए को आप लैम्डा से रिप्लेस करेंगे, पी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू ई एस फॉर ऑफ लैम्डा, अब लैम्डा आपके पास कितने हैं, लैम्डा वन एंड लैम्डा टू, तो पहले यूज करेंगे पी ऑफ लैम्डा वन ई रेस फोर लैम्डा वन, तो लैम्डा वन का वैल्यू कितना कंसीडर किया हमने, लैम्डा वन जीरो लिया था, लैम्डा टू हमने टू एक्स लिया था, लैम्डा वन जीरो तो ई रेस टू जीरो बनेगा वन, अब पी ऑफ लैम्डा टू लैम्डा कितने का लैम्डा टू रख दिए
हमारे ट्वाइस एक्स है, ए एस टू ट्वाइस एक्स, ठीक है। अब हम लोग ये निकालने के बाद निकालेंगे जेड ऑफ लैम्डा आर, जेड ऑफ लैम्डा आर होता है एडजॉइंट ऑफ लैम्डा आई माइनस ए अपॉन फाइव डैश लैम्डा, जेड ऑफ लैम्डा आर एडजॉइंट ऑफ लैम्डा आर से मैट्रिक्स में बना रखा है लैम्डा माइनस एक्स एक्स लैम्डा माइनस एक्स अपॉन फाइव डैश लैम्डा बना था हमारे पास है टू लैम्डा टू एक्स। अब ये लैम्डा की जगह पर हम लोग क्या करेंगे लैम्डा वन एंड लैम्डा टू यूज करेंगे, जेड ऑफ लैम्डा वन जीरो माइनस एक्स माइनस एक्स 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 जीरो माइनस एक्स माइनस एक्स जीरो माइनस ट्वाइस एक्स, तो जेड ऑफ लैम्डा वन इज इक्वल टू ब्रैकेट माइनस एक्स 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 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस टू एक्स, सो हर टर्म को माइनस टू एक्स से डिवाइड करेंगे, सो आएगा एक्स माइनस एक्स अपॉन माइनस टू एक्स एक्स अपॉन माइनस टू एक्स एक्स अपॉन माइनस टू एक्स माइनस एक्स अपॉन माइनस टू एक्स, तो कट जाएंगे यहाँ बचेगा वन बाई टू, यहाँ बचेगा माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू और पॉजिटिव वन बाई टू, सो ये है आपका जेड लैम्डा वन। इस तरीके से आप लैम्डा की जगह पर लैम्डा की जगह पर लैम्डा टू रखेंगे तो लैम्डा टू की वैल्यू है ट्वाइस एक्स, तो जेड ऑफ लैम्डा टू जेड ऑफ लैम्डा टू इज इक्वल टू सिंपली और लिख सकते हैं हम लोग जेड ऑफ ट्वाइस एक्स लैम्डा टू की वैल्यू ट्वाइस एक्स है लैम्डा की टू एक्स माइनस एक्स 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 टू एक्स माइनस एक्स अपॉन लैम्डा की जगह पर टू एक्स तो जेड ऑफ लैम्डा टू इज इक्वल टू टू एक्स माइनस एक्स एक्स हो जाएगा एक्स एक्स कैसे टू एक्स माइनस एक्स एक्स फोर एक्स माइनस टू एक्स नीचे दिखेगा टू एक्स टू एक्स से डिवाइड कर दो इसलिए एक्स अपॉन टू एक्स एक्स का टू एक्स 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 का सब कट जाएगा वन बाई टू बचेगा रीच वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू जेड ऑफ ठीक है। अब स्टूडेंट का है सेमेस्टर थ्योरम अप्लाई करना है आपको रीनम सर्च में थे ना रिमेंबर जेड ऑफ लैम्डा आर सॉरी पी ऑफ ए इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू आर टू एंड पी ऑफ लैम्डा आर जेड ऑफ लैम्डा आर ये हमारा सेमेस्टर थ्योरम का स्टेप है। अब लैम्डा की दो ही वैल्यू है तो आर इज इक्वल टू वन नहीं आर इज इक्वल टू यानी पी लैम्डा वन जेड लैम्डा वन प्लस पी लैम्डा टू जेड लैम्डा सो पी ऑफ एम ने क्या लिया था ई रेस टू ए और यहाँ पर लैम्डा आर की जगह वाला है पी लैम्डा वन जेड लैम्डा वन पी लैम्डा टू बनेगा जेड ऑफ लैम्डा। अब से वैल्यूज रखनी है पी लैम्डा वन की वैल्यू पी लैम्डा टू की वैल्यू एंड जेड लैम्डा टू हमारे पास एक्चुअली वन बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू प्लस पी ऑफ लैम्डा टू था टू ई रेस्ट टू एक्स जेड लैम्डा टू प्लस आंसर हाफ 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 है ईच हाफ। अब हम क्या करेंगे बच्चों आंसर लाने के लिए वन की जगह पर देखो वन को कैसे लिख सकते हैं ई रेस टू एक्स माइनस एक्स ई रेस टू जीरो बनेगा और ई रेस टू जीरो वन बनता है इसको और ऐसे लिख सकते हैं राइट और मैं और क्लियर बताऊँ तो वन इज इक्वल टू ई रेस फोर जीरो एक्स माइनस एक्स जीरो होता है इसमें से लिख सकते हैं मतलब हम क्या करेंगे तो वन की जगह लिखेंगे ए एस टू एक्स इंटू एक्स को माइनस एक्स एंड ई एस फॉर टू एक्स को ब्रेक करके लिखेंगे ई एस टू एक्स ई एस टू एक्स तो एक्स टू सब बनेगा ई एस टू ए ई एस टू एक्स इज फॉर माइनस एक्स वन बाई टू
माइनस एन बाई टू माइनस एन बाई टू वन बाई टू प्लस ई एस टू एक्स वन अपॉइंट टू वन अपॉइंट टू वन अपॉइंट टू वन अपॉइंट टू। अब क्या करो सिंपल स्टेप ला लीजिए ई एस टू एक्स और वन बाई टू कॉमन ले लो सब जगह से ई एस टू एक्स वन बाई टू सब जगह पर वन बाई टू है एंड ई एस टू एक्स है तो दोनों जगह से कॉमन ले लो ई एस टू एक्स बाय टू जगह से कॉमन ले लो और इसको अंदर कर लो ये वाला अंदर कर लो तो यहाँ क्या बनेगा ई एस टू माइनस एक्स बाई टू माइनस ई एस टू माइनस एक्स बाई टू माइनस ई एस टू माइनस एक्स बाई टू ई एस टू माइनस एक्स बाई टू प्लस सेकेंड मैट्रिक्स सब हो जाएगा ई एस टू एक्स बाई टू ईच टर्म। अब जैसे एडिशन करना है ई एस टू एक्स ई एस टू माइनस एक्स बाई टू प्लस ई एस टू एक्स बाई टू सब पोजिशन से ऐड करने से ई एस टू ई एस टू एक्स बाई टू ई एस टू माइनस एक्स प्लस ई एस टू एक्स दोनों के अकाउंट सेम है एक बार लिखिए। अब ई एस टू एक्स माइनस ई एस टू माइनस एक्स प्लस ई एस टू एक्स बाई टू नीचे जाइए माइनस ई एस टू माइनस एक्स प्लस ई एस टू एक्स बाई टू फिर इसको इसमें ला दो टू माइनस एक्स प्लस ई एस टू एक्स बाई टू। एक्चुअली ये बन जाता है सर इसमें हमने जो कॉमन निकला एक्चुअली यहाँ लिखना नहीं सही इट शुड बी व्हेन आई जस्ट टेक इट आउट टेक आउट द कॉमन देन वी ओनली द टर्म दिस इज द टर्म फोन में कुछ भी नहीं आएगा इसके ओनली दिस टर्म रिमेंस और एडिशन गिव्स यू लाइक दिस ओनली सिंपल एडिशन ई एस टू माइनस एक्स प्लस ई एस टू डॉ दिस करेक्ट। हाँ अब क्या करते हैं टू पर शिफ्ट कर देते हैं सबके पॉइंट देते हैं टू तो बनेगा फॉर मी ई एस टू ए इज इक्वल टू ई एस टू एक्स ई एस टू एक्स ई एस टू माइनस एक्स बाई टू प्लस लिख सकते हैं ई एस टू एक्स माइनस ई एस टू माइनस एक्स बाई टू और ये वाला ई एस टू एक्स ई एस टू माइनस एक्स बाई टू ई एस टू एक्स प्लस ई एस टू माइनस एक्स बाई टू। एक्चुअली ये फॉर्मूला कॉस एच एक्स का ई एस टू एक्स ये है कॉस एच एक्स हाइपरबोलिक फॉर्मूला या साइन एच एक्स ये भी है साइन एच एक्स और ये आपका कॉस एच एक्स का हाइपरबोलिक फॉर्मूला। सो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि ई एस टू ए इज इक्वल टू ई एस टू एक्स इनटू कॉस एच एक्स साइन एच एक्स साइन एच एक्स इनटू कॉस एच एक्स। तो रिमेंबर वेरी गुड केयरफुल स्टूडेंट द मेथड द स्टेप्स यू हैव रिमेंबर कैसे रिकॉर्ड कर लेते हैं उससे स्टेट करते हैं इसमें पहले मैं लिखना लगा है माइनस ही तो इसे एडजॉइंट निकालना है लगा है माइनस ही का पाई ऑफ लैम्डा पाई डैश लैम्डा इसके बाद हमारा पी ऑफ ए कंसीडर करना तो जेड ऑफ लैम्डा इसके बाद बस दो आइगन वैल्यूज को पी लैम्डा वन निकाल देते फिर उसी आइगन वैल्यूज का रिजल्ट हम अपन सेट अप करते हैं फिर पी लैम्डा वन जेड ऑफ लैम्डा वन पी लैम्डा वन जेड ऑफ लैम्डा वन यूज करेंगे सो इट्स ओके।